तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम फिर से खेल रहे हैं ब्लैक क्लू एसएमपी में। वीडियो में मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया था एसएमपी के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या कैसे करना है। और आज मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेस करके रखा है, यानी कि मैंने थोड़े से पैसे भी कमा कर रखे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो कुछ ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है, बस यहाँ पर एक एंडर चेस्ट आ गई है। और हाँ, इसमें मेरा कुछ खास सामान पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना बैलेंस दिखा देता हूँ। ओके, तो आप साइड में देख सकते हैं, मेरे पास अभी टोटल 511 रुपए हैं। और हाँ, मेरे पास सिर्फ इतने रुपए नहीं थे, मेरे पास ज्यादा पैसे थे। पास अगर मैं उनको भी मिला दूं तो अब 2000 के आसपास हो जाते, पर वो मैंने कहाँ खर्च किए गए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि आप देख तो सकते हैं, मेरे पास फिलहाल कोई आर्मर तो नहीं है और ना ही कोई ऐसी खास चीज़ है। और हाँ, मेरी जो गोल्डन शवल थी वो टूट चुकी थी, लेकिन अब मैंने फिर से बना ली है। और हाँ, मैंने काफ़ी बड़ा एरिया क्लेम कर लिया है और काफ़ी बिल्ड भी किया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा जल्दी ही। तो मैंने क्या किया गाइस, मेरे पास अभी 2000 के आसपास पैसे होते, लेकिन मैंने कुछ खरीदा और वही सामान मेरा एंटर चेस्ट में पड़ा हुआ है। मुझे पता है आप इसे बेवकूफ़ी भी कह सकते हो, लेकिन रुको जरा, सबर करो। ये देखिए गाइस, मैंने मैंडिंग ली है, एक मुझे 500 की पड़ी, तो मैंने 3 ले ली, 3 लगी हुई थी वहां पर, वैसे तो 5 लगी थी पर इतने पैसे नहीं थे तब। और ये मैंने क्यों ली गाइस, क्योंकि और भी मैंडिंग की बुक लगी थी, लेकिन वो 5000 2000 ऐसे लगी थी, तो ये मुझे थोड़ी सस्ती लगी, तो मैंने सोचा इसे ले लेते हैं, फ्यूचर में काम आएंगी डायमंड वगैरह पर लगाने के लिए। तो फिलहाल मैं कोई आर्मर वगैरह तो नहीं खरीदने वाला, लेकिन मैंने बेस पर थोड़ा सा बिल्ड किया है। और हाँ गाइस, आप होम भी सेट कर सकते हैं जहाँ पर आप बिल्ड कर रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, और मैंने वो कर दिया है। तो अब बस मुझे /home लिखना है और मैं अपने घर पर पहुँच जाऊँगा। और हाँ, मैंने इसका नाम दे दिया है, आप साइड में देख सकते हैं। ओके, क्या हो गया, वीडियो चल रही है भाई, बेइज्जती मत करा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हो गया फाइनली। 6.5 hours later ओके, तो हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है। अब मैं आपको अपना वर्ल्ड दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बैम्बू उगा दिए हैं, और उसके अलावा ये बेस तो आपको याद होगा, हमारा स्टार्टिंग बेस। यहाँ पर एक चेस्ट लगा दिया और ये रहा। और हाँ, पैसे कमाने का मुझे काफी बढ़िया तरीका पता चला था गाइस, और वो है स्नोबॉल। आपको याद होगा कि हमारी जो स्नोबॉल है वो हमें 1 रुपए में 2 मिल जाती है, लेकिन नहीं मतलब मिलती तो महंगी है, लेकिन 2 स्नोबॉल वो जो है वो 1 रुपए में बिक जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्नो गोलम बना लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और इससे हम अनलिमिटेड स्नोबॉल ले सकते हैं और फिर उसे बाजार में जाकर बेच सकते हैं। ये देखो, जैसे अभी मेरे पास 2 स्नोबॉल है, और अगर इन्हें मैं सेल हैंड करूं तो मेरे पास 1 रुपया आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने पैसे कमाए, लेकिन और भी तरीके से मैंने पैसे कमाए हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। और उसके अलावा फिलहाल मेरे पास कुछ ज्यादा सामान तो नहीं है, वही एक डायमंड है और थोड़े बड़े आयरन मैंने इकट्ठे किए थे जो कि इसमें पड़े हैं। और हाँ, 2 आयरन मुझे जोम्बी को मारने से, लिटरली जोम्बी को मारने से मिले थे। और फिलहाल यहाँ पर मैंने काओ को फंसा कर रखा है, और बैम्बू मैंने बस स्टिक्स के लिए उगाए हैं, और इन्हें हम बेच वगैरह बेच भी नहीं सकते। ये ऐसे ही मैंने बेस बना दिया छोटा मोटा सा, और ये रहा गाइस मेरा अर्निंग एरिया। तो फिलहाल इनसे मैंने कुछ अर्निंग किया, क्योंकि ये अभी मैंने सिर्फ फार्म कंप्लीट किया है, मैंने सारे नहीं खरीदे थे, मैंने सिर्फ 5 कैरेट और 5 पोटैटो खरीदे थे, और उससे ही इतना बड़ा फार्म बनाया है उगा उगा कर। और उसके अलावा शुगर केन मेरे पास थोड़े से पड़े थे 3-4, उनसे मैंने ये बना दिया। और मुझे पता लगा हम बेरीज को 1 रुपए में बेच सकते हैं, यानी कि 1 बेरी 1 रुपए की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये फार्म भी बना लिया। और काफी सामान मैंने इकट्ठा भी करके रखा है। और हाँ, अब मैं आपको अपना एरिया दिखाता हूँ गाइस। ओके, शो कर दे। ओके, अभी मेरे पास 452 और ब्लॉक है, और यहाँ से लेके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर एक कैक्टस फार्म भी बना दिया छोटा सा, यहाँ से, और ये है हमारा वहां तक, हमारे घर तक, यहाँ तक गाइस। तो इतना बड़ा एरिया मैंने क्लेम कर लिया है, धीरे धीरे हम और भी एरिया क्लेम करेंगे और अपना फार्म जो है वो और भी बड़े करेंगे। फिलहाल मैंने ये छोटे से फार्म बनाए हैं, इन्हें हम ऊपर लेकर जाएंगे ऐसे, और ज़ॉम्बी फार्म भी बनाएंगे। और उसके अलावा फिलहाल मैंने कुछ सामान इकट्ठा करके रखा है, तो जल्दी से उसे बेच कर आते हैं और देखते हैं हमें कितने पैसे मिलते हैं। तो फिलहाल मैं स्वीट बेरी से बेचने वाला हूँ, और हाँ, रोटन फ्लैश भी 1 रुपए में बिक जाता है, तो इसे भी निकाल ही देते हैं। कैक्टस भी बिक जाएगा हमारा, सैपलिंग भी हमारे बिक जाएंगे। और फिलहाल के लिए तो चलो यही बेचते हैं, वैसे मैं वुड भी बेच सकता था, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे उसे बेचना चाहिए फिलहाल। और उसके अलावा मैंने खाना भी काफी इकट्ठा करके रखा है, मुझे खाने की तो कमी नहीं होने वाली, और लैडर वगैरह मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में इनका काफी ज्यादा काम आने वाला है।
और फिलहाल इसमें मैंने सारा बेचने वाला सामान ही रखा है। हाँ बैम्बू रखे हैं वो बिकेंगे नहीं, लेकिन चलो। और ये पोटैटो वगैरह मैं सब कुछ बेचने वाला हूँ इसे छोड़ कर। वीट तो चलो रख लेते हैं, फूड सोर्स में काम आएंगी, और बाकी तो हमें हमारा कोई सामान बिकेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं हमें इससे कितनी अर्निंग होती है। ओके तो मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ, रात भी हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, हमें कौन सा कोई काम करना है अभी। और हाँ गाइस, अगर आप इस एसएमपी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसका लिंक, इसका जो आईपी है वो ब्लैक लियो के डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा जुगनू डीलर, तो इसे भेज देते हैं जल्दी से सारा सामान। ओके ये भी ये भी ये भी। ओके तो मैंने सारा सामान इसकी इन्वेंट्री में रख दिया है। ओके मुझे 347 रुपये मिल चुके हैं गाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और धीरे धीरे मैं काफी सारे पैसे कमा लूंगा गाइस। और फिलहाल हमारे पास इतने पैसे हो चुके हैं, तो आई थिंक मुझे एक डायमंड आर्मर ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम थोड़े ज्यादा ही गरीब से लगते हैं गाइस। और आई थिंक अगर मैं देखूँ तो चलो सारा सामान यहीं से ले लेते हैं गाइस। एक हेलमेट आ गया, एक चेस्ट प्लेट, एक लेगिंग्स और एक बूट। स्वॉर्ड भी ले ले क्या? वैसे आई डोंट थिंक मुझे स्वॉर्ड के भी, चलो स्वॉर्ड अभी रहने देते हैं फिलहाल। ये आर्मर पहन लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इन पर मेंडिंग चलो बाद में लगाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं ये हमारे पास रहे या फिर ना रहे। और ये देखो भाई, इसने तो लाइट्रा भी ले ली हुई है, मतलब क्या ही बात है। वैसे आई थिंक ये लाइट्रा ऑक्शन में भी मिल रही है, चलो कोई बात नहीं। और हाँ गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही पता है मुझे, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है। हाँ इन दोनों ने एंडर ड्रैगन को मारा है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और जल्दी ही रेगुलर लॉन्ग वीडियो भी आएगी गाइस। और अगर आपको लॉन्ग वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।